ले लिया अभी आपने? हाँ भाई। आप सभी लोग कमेंट करके हमारे नए बैट का नाम जरूर गेस करना। यो 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 यो। एक दिन में खेले दो मैच। टेस्ट मैच देखना है तो इस वाले ब्लॉग पे भाई 20,000 लाइक कर दीजिए। यहाँ पास में बैठ गए तेरी। Hey guys, welcome back to another vlog of Cricket Cardio. I hope आप सभी अच्छे होंगे भाई। आज होने वाला है हमारा 50 ओवर का बहुत ही तगड़ा मैच और ब्लॉग नंबर 89 किसने देखा है भाई, उसी ग्राउंड में हमारा ये वाला मैच होने वाला है और वही वो जो पेड़ था क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। प्रेम भैया की टीम से हम मैच खेलने वाले हैं। सुबह के 6:30 में उठ गया था, अभी 7 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। फ्रेश फ्रेश हम हो चुके हैं, बस ड्रेस व्रेस चेंज करनी है और आपको एक काम करता हूँ, टूर दे देता हूँ हमारे ऑफिस का। ऑफिस तो नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्टूडियो। यहीं से मैं लाइव जाता हूं और यहीं पे अब वीडियो शूट हुआ करेंगी। और भाइयों, आपके भाई के फेसबुक पेज पे एक गिव अवे का कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करना। कोई 5 लकी विनर्स को बहुत तगड़े तगड़े गिफ्ट मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, उस पे जाइए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और बाकी के रूल्स और रेगुलेशन उस वीडियो में आप सभी को देखने को मिल जाएगी। एक शॉर्ट वीडियो मैंने बना के वहां पे डाल रखी है और यूट्यूब पे भी है भाई, यूट्यूब पे भी अभी आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो गिव अवे में, जरूर पार्टिसिपेट करना। और अब सीधा चलते हैं और दिखाता हूं मैं आपको अपना रूम। देखो भाई, फिलहाल तो दिखने में हमारा रूम कुछ ऐसा है। सबसे पहले हमारी वर्क टेबल से शुरू करते हैं। ये ही वो पीसी है जहाँ पे मैं एडिट करता हूँ, लाइव जाता हूँ इसी पीसी से। थोड़ी सी खराब हो रखी है, मैसी हो रखी है भाई, बाकी ये तो बहुत बड़ा सा शीशा मैंने एक लगवा रखा है। मेन इसका काम है कि ये एको ना होने दे इस रूम में, क्योंकि अगर फर्नीचर कम हो जाता है तो थोड़ा सा एको बढ़ जाता है रूम का। तो यहाँ से हम एडिटिंग करते हैं। ये चेयर हमारी बैठने की है, ये वाली मेन चेयर नहीं है, ये मतलब टेम्परेरी चेयर है, एक और मेन चेयर है वो बाहर रखी हुई है। तो अभी मैं सेटअप करने का सोच रहा हूँ या फिर सेटअप कर भी चुका हूँ जब तक ये व्लॉग आ रहा है। एक ग्रीन स्क्रीन लेके आऊंगा और ग्रीन स्क्रीन से भाई बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस आने वाली है हमारे चैनल पे। शॉर्ट टर्म वीडियोस में बनाने वाला हूँ, तो जो भी आपके दिमाग में आइडिया हो, जो भी आपके दिमाग में डाउट हो, क्वेरी हो, मुझे कॉमेंट कर देना, अभी उसी के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। धीरे धीरे सबके टॉपिक सबकी क्वेरीज में कवर करने वाला हूँ। किट वेट को पैक वैक करके हम निकल जाएंगे और भाई उससे पहले हमें स्किन का ट्रीटमेंट भी करना होगा। ये देखो यहाँ पे आप सबको नजर आ रहा होगा मेरे क्या हुआ, मैं विकेट कीपिंग भी करता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ, तो मेरा जो हेलमेट होता है ना वो यहाँ से ऐसे ऐसे घिसता रहता है, बार बार मैं उसे एडजस्ट करता रहता हूँ, तो उसके घिसने की वजह से यहाँ पे एक इन्फेक्शन सा बन गया है। परसों ही डॉक्टर को दिखा के आया हूँ और डॉक्टर को दिखाने के बाद उनने बोला है भाई थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा इस चीज का, 3 बार मुझे अच्छे से पूरा एक प्रोसीजर है वो फॉलो करना है फेस पे। और भाई लास्ट व्लॉग में आप सभी ने देखा होगा मैं लकी बैट से अपना मैच तो खेल रहा था बट वो फील्स ही नहीं आ रही थी, अच्छी फील नहीं आ रही थी हाथ में पकड़े हुए। तो आज के मैच में भाई हम यूज करने वाले एक नया बैट, तो आप सभी को कमेंट करके गेस करना है वो बैट कौन सा है। मैं आप सभी को नहीं दिखाऊंगा, जब मैं बैटिंग करने जाऊंगा तब आप सभी को देखना है कैमरे में, अगर आपको नजर आएगा कि वो बैट कौन सा है, ऑनलाइन चेक कर लेना कितने का है, ये सारी चीजें आपको ही बतानी है कॉमेंट करके। देखते हैं कौन होता है उसका विनर, कौन सही गेस कर पाता है कि आपका भाई कौन सा बैट आज यूज कर रहा था। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। पीकाबू क्या हाल है, गुड मॉर्निंग। ये देखो गाइस, सबने चाय बंद कर दी है पर मम्मी ने चाय बंद नहीं करी है, गला खराब हो रहा है। ये तो बेस्ट एक्सक्यूज होता है ना तुम्हारा चाय पीने का सबका। क्या क्या बनाया है सुबह ये बताओ। सुबह तो बहुत सारा बनाया। ये देखो ये हमारा पोहा रेडी है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ग्रेप्स, ये हमारा एप्पल। तुम्हारा भाई देखो ड्रेस के साथ रेडी हो चुका है। और ये रहे बादाम, ये रहे चावल, इसके साथ दही। तो चावल और दही हम मैच के बीच में जो ब्रेक होता है उसमें खाएंगे और पोहा भी खा के दवाई ववाई लेके और फिर अब निकल जाएंगे। अब ठीक हो जाएगा ना चेहरा, लग तो रहा है, हो जाएगा, ध्यान रखेगा तो। आपको मिलते हैं सीधा ग्राउंड पर। तो भाई
हो गाड़ी वहां पे पार्क करके हम आ चुके हैं यहाँ पे चलती हुई लॉन टेनिस। और ये हमारा फेमस पेड़, भाई पिछले कमेंट सेक्शन में पेड़ की क्या तारीफें हुई है। और ये रही हमारी टीम, अपोनेंट टीम भी है। क्या हाल है भाइयों के? भैया टॉस जीते हमारे हैं, हम टॉस जीते हैं, टॉस जीत के हमने बॉलिंग ली है। हाँ जी, अच्छा भी देखो तो भाई टॉस जीते आ रहे, पता नहीं, मैं तो थोड़ा सा लेट हो गया था और अब मैंने कर लिया विकेट कीपिंग पैड। ये रहे हमारे ग्लव्स, ग्लव्स कोप्रो तैयार है बिल्कुल, देखो बस इसका ऊपर का बटन दबाएंगे और इसकी रिकॉर्डिंग चालू, 20-25 ओवर इसकी चल जाएगी, फिर बैटरी चेंज करेंगे, बहुत सारी चीजें होती है। और वहाँ पे हमारी टीम थोड़ा वार्म अप करते हुए हाथ खोलते हुए अब चलते हैं ग्राउंड में। ये ग्राउंड के अंदर है भाई, देखो इसके लग के अगर जाती है चौका छक्का है, अगर इसके लग के कैच होता है तो वो नॉट आउट है, और इसके लग के अगर सिंगल डबल भागते हैं तो वो अलाउड है, ठीक है? तो ये रूल है। आज उस दिन वाली जैसी नहीं है, आज ये टूटेगी, आज टूटेगी, घूमेगा बॉल बढ़िया। देख ले, अब देख ले भाई, लो भाई पहला ही ओवर स्पिनर। तो ये जरूर डालियो। देख लो भाई ऐसे टॉस करते हैं, टॉस कर रहे हैं। फील्ड इट, ठीक है ज्यादा ऊपर हो रही है। ओ के साथ फर्स्ट विकेट भाई, ये तो चार ओवर में ही खुल गई। बहुत दूर थी यार, हाथ लग गया इसलिए चौका बच गया। मार बैटिंग, ओपी अंपायरिंग, पहला सच्चा अंपायर मिला तीन चार मैच बाद। ओ 10 ओवर 51 रन्स, 2 विकेट, देखते हैं वाला एंड कैसा खेलेगा। कैच, एस्ट्रो पीछे चला गया, पहले फील्ड के लिए चला गया। ये क्या होता है अक्सर फील्डरों के दिमाग में होता है कि ये तो एयर फील्डिंग की है या फिर कैच की है, तो डबल माइंड हो जाता है। ओ ओ धोनी है, मार और सुनाओ गाइस क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? बैट्समैन हो तो अच्छी फॉर्म नहीं चल रही हो, बॉलर हो तो अच्छे टप्पे पे नहीं डल रही हो, प्रैक्टिस पे अच्छे टप्पे पे डल रही हो, मैच में नहीं डल रही हो, सुनाओ अपने दुख दर्द। ओ यार तो ओवर की अंपायरिंग में तुझे पानी चाहिए, एक आधा दे आउट आउट रुक तेरी तो कहाँ से घुमाई है यार। सबसे सेफ फिल्डर के हाथ में दे दी यार, भाई बॉल देख, भाई बॉल देख यार, तू बंदे कुछ ही देख, कितने मैच 14 विकेट में बिल्कुल ही नीचे लगी। पता क्या हुआ, जैसे धूप से अंधेरे में आई ना बॉल, दिखी नहीं बंद होगी उसमें स्पीड में। कलर वैसे ही हो रहा है। एक दो तीन, जय माता दी, सेवन मोर फटाफट, लेफ्ट ही आ गया।
आजा। गुड बॉल गुड बॉल। खोल दिया था खोल दिया था। भागियो भागियो भागियो। सामने कहा गए लो भाई जींद वालो देख लो भाई हमारे जींद के वही आज पूरी वो जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा। चौका हो गया चौका हो गया। शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है इधर आओ। और ये कैच यार अबे यहाँ गिरी है। कैच आउच। हिटिंग करने जा रहा हूँ क्योंकि इनके टीम का स्कोर बहुत ही कम है अभी और इसी कारण इन्हें हिट करने जाना पड़ा और लेग स्पिनर ने बहुत ही लटका दी मिडल नहीं हुआ था अच्छे से तो इसी कारण से कैच लॉन्ग ऑफ पे बहुत ही अच्छा कैच जबरेल भाई के द्वारा। शाबाश शाबाश। मार बैटिंग दूसरी सफलता हमारी। एक कॉट बिहाइंड हुए थे एक अब रन आउट हो गए वो तो दूसरे भैया बच गए हमारे ये वाले भागे ही नहीं समझदार निकले ही समझदार और दगाबाज निकले ही। भागियो 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 जबरेल। चौका हो गया तेरा। डाई मार लेता कोई सा एक। मिसिंग कैच। चार रन। और इसी के साथ आउट। क्या बोल रही थी। तो भाइयों एक इनिंग हो चुकी है खत्म और अब आपके भाई ने कर लिया पैड। ओपन जा रहा हूँ 140 रन का टारगेट है और भाई बैट दिखा देते हैं आप सभी को। पीछे से ही दिखाऊंगा बाकी तो आप सबको गेस करना है कि कौन सा बैट है। तो भाई आज हम ये वाला बैट यूज़ करने वाले हैं तो ये आपको गेस करना है। SS तो आप सबको नज़र आ ही गया होगा बट कौन सा बैट है क्या है वो मैच में गेस करना मैच में कैमरे से। ठीक है चल भाई चल। स्ट्राइक ले रहा लबरेल कीपर कॉल लेग अंपायर बोल रहे। तो भाई 140 रन का टारगेट है ओपनिंग में आए हैं पहला ही ओवर ऑफ स्पिनर को। आप सबको वीडियो में गेस करना है वीडियो में नजर आता है तो कौन सा बैट है। तो भाई इसी के साथ पहली विकेट गिरती हुई हमारी। कुछ नहीं है भाई नॉर्मल बॉल थी इनसाइडर लग गया इसका एक और। हाँ ठीक है नॉट अ मैटर ओवर। बम्प है बम्प है बम्प है यार क्लियर बम्प है बम्प है। वो थोड़ी सी ने लटकाई थी हवा दी थी चल खेलता लेग लेग लेग। थैंक यू वेट
या या नॉट आउट या रेंदे 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 भाई आराम से ठीक है कोई बात नहीं आजा 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 वेट 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 बोल खेलते ना ऐसे बैट और पैड बिल्कुल ऐसे थे जब यहाँ लग के पता नहीं कहाँ से निकली और बैट था ना वही तो देख कैच पकड़ी या नहीं पकड़ी वो देख रहा था क्या 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 बढ़िया बढ़िया गौरव भी आगे चलने दो या ये भाग 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 आजा आजा दो आना आजा 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 ठीक है देख बैठ नया है आजा 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 इस शॉट पे 4 रन मिला कभी आज मिल गए पकड़ लो 4 रन भाई साहब आप मटर वो ऐसे तो मारेगा सर जी नोनी है यस 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 भाई क्या कर रहा है भाई यस नो कुछ तो कर ले या या आजा 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 वेट यार ये गलत बात है यार ये कोई बात है क्या यार देखा था तो हम भी मार रहे पकड़ लो भाग ले भाग ले भाग ले भाग ले भाग ले 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 लिया भी आपने हाँ भाई है कड़ा है ना आउट तो होना था देख ले टी स्ट्राइक चेंज करके अगला ट्वेंटी ट्वेंटी कर लो टी ट्वेंटी कर लो आया मैं और तू उसमें बैटिंग चेंज हो जाएगी पकड़ ले भागो भागो आजा 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 ओरे यार
आ जा। मिस टाइम होगी यहाँ लगी बिल्कुल बैंड पे। अब इस बार ऐसा होगा भी देर से खेल रहा नीचे नीचे लो तो भाई वो एक मैच तो खत्म हो चुका है और हमारी टीम जीत गई है भाई 4 विकेट से 12 ओवर पहले ही। मैं तो भाई सिंगल डबल खेल रहा था, आज नए बैट से फील ले रहा था। मुझे फुल टॉस बॉल आई मेरे पास, वो अच्छे से टाइम ही नहीं हो पाई और टाइम नहीं हुई तो अच्छे से वो बन भी नहीं रखा बैट, तो बिल्कुल एज पे लगी और वो बिल्कुल यहाँ पे बाउंड्री पे मैं कैच आउट हो गया इसी साइड। बट हमारी टीम जीत गई। आज मैंने 20-22 रन कुछ बनाए और हाईएस्ट भाई रोहित भाई ने मारे हमारे 65 रन। और अब एक और मैच हो रहा है 15 ओवर का, 2 बजे मैच खत्म भी हो गया। दूसरी टीम 30 ओवर से पहले ही ऑल आउट हो गई थी और हमने भी 28 ओवर में चेज कर दिया है, टॉस हार गए हैं। तो अब हमें करनी पड़ेगी फील्डिंग, चलते हैं सीधा विकेट कीपिंग पे। 15 ओवर का और मैच खेल रहे हैं। मार दे रोक, शाबाश। आउट प्लम है यार, बैट्समैन भाई तुझे भी पता है आउट बिल्कुल ही प्लम था यार। गद्दार आ चुका है, यही वो भाई थे गाइस जो हमारे साथ ओपनिंग आए थे और पहली बॉल पे डंडा खा गए थे। ओ शाबाश। कहाँ लगी इसके बॉडी लगी है, कहाँ लगी है, पैर पे लगी है ना, इस वाले पैर पे आउट है। प्लम है अबे, एलबी नहीं, मैं तो कैच की कर रहा था। हम तो एलबी की कर रहे थे, एलबी तो प्लम है, फिर सामने खड़ा है वो। रुकेगी बम्प है भाई, सेम स्टंप पे लगी है, सेम स्टंप पे। ये तो डालना पड़ेगा, वो कैच ही बच गया यार, वो आगे गिर गई। दो बार सेम डंडा, दो विकेट गिर चुके हैं 2 ओवर में। फुल टॉस, कैच। अरे ये क्या दे दी, ये गई है चौका। कैच आउट, चौका हो गया, नाम आ गया, खड़ा रहा तू 2 चार बोल। पकड़ियो दो नहीं है, मारो क्लियर आउट। अबे ठाकरान तेरे को खुद को पता होना चाहिए। कैच 6 रन। Thank you.
हमारे आगे स्टेप आउट करेंगे भाई, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा है इसलिए बेल सबने नीचे रख रखी है। रुकी पेड़ में है बाहर, मारो मारो बैटिंग, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या टारगेट क्या है, स्ट्राइक मैं पूछ रहा हूँ ले लूँगा। चलो भाई वो 15 ओवर 84-85 का टारगेट है, दूसरा मैच भी हम जीतेंगे या नहीं। आजा आजा भाग एक और भाग भाग आजाद यही बोली थी, हाँ बोल के ना मत बोलियो। गाइस हेलो, यो 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 ऊपर देख लो काले काले मैन तेरे रट जा। अरे यस नो कुछ ना बोल रहा हो, या तो नो बोल दे भाई। तो भाई ये दूसरा मैच भी ख़त्म हो चुका है भाई, ग्राउंड पूरा हो चुका है खाली, सारे लोग पैकिंग पे लग चुके हैं और भाई दूसरा मैच भी हमारी टीम जीत गई है यार। इसमें तो बहुत ही गंदा रन आउट हो गया, मैं मतलब यस की कॉल थी स्टार्टिंग में इजी 2 रन थे, हमारा जो दूसरा पार्टनर था उनको लगा कि भाई ये 4 रन में जाने वाला है, चौका होने वाला है मेरा, बट वो बिल्कुल टप्पा खाते ही वहीं पे बॉल रुक गई थी और मैंने 2 की कॉल कर दी थी। और फिर मैं जैसे ही उनके तरफ भागने लगा उस भाई ने मना कर दिया, मुंह पे मैं आधी क्रीज पे खड़ा हुआ था उसने मना कर दिया, इतने बॉल आ चुकी थी और फिर रन आउट हो गया। मैं सेलिब्रेशन तो आप सभी ने देखी होगी भाई, पहले मैच में दूसरी टीम ने 140 रन का टारगेट दिया था, वो हमने भाई 28 ओवर में चेज कर लिया था। और सेकंड मैच में हमारी टीम को 84 रन का टारगेट मिला था 15 ओवर में और ये हमारी टीम ने 4 ओवर पहले ही चेज कर लिया है और 5 विकेट से हम ये वाला मैच जीत गए हैं। अब चलते हैं और आप सबको यार बैट दिखाई देता हूँ मैं कि कौन सा बैट है कैसा है, दिखा देता हूँ जल्दी आ जाओ। हाँ बैट की, क्योंकि मैंने ये दिखाया नहीं है कि कौन सा बैट यूज कर रहा हूँ और कौन सा नया बैट है हमारा, बताओ इस बैट के बारे में बताओ यार बताएंगे। ये है भाई SS Master 5000 सौरव गांगुली, ये मेरे दोस्त कैफ का है, कैफ ने तो छोड़ दिया क्रिकेट खेलना, तो कैफ ने यश को दे रखा था, कैफ वाला गुजर वाला हाँ इसका बेस्ट फ्रेंड है वो भाई, वो मेरा फेवरेट बंदा है। ये है हमारा बैट, देख लो भाई साइड प्रोफाइल, बैट से साउंड कैसी आ रही थी भैया बाहर से, ये बन रहा है अभी तो बना नहीं है इतना अच्छा, नॉकिंग वॉकिंग चल रही है एकेडमी में, रखा भी था ना हाँ सूख गया था थोड़ा, इस पैट से खेला जाएगा टेस्ट मैच हमारा, उसमें मारेगा पक्का। मैंने तो बताया नहीं था कि टेस्ट मैच होने वाला है, तो यस नेक्स्ट वीक भैया ने रख लिया एक टेस्ट मैच, तो उसमें आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग। और अगर भाई आप सभी को टेस्ट मैच देखना है तो इस वाले ब्लॉग पे भाई 20,000 लाइक कर दीजिए। भाई यही खेलते हो आप, यही प्रैक्टिस करते हो रोज, प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और कमेंट तो आप सभी ने कर ही लिया होगा गेस कौन सा बैट है, और इसी बैट से हम कंटिन्यू करने वाले हैं, कैफ का बैट है ये, यश ने ले रखा था, तो यश इतना खेलता नहीं है, मैं रेगुलर खेलता रहता हूँ अकेडमी भी जाता हूँ, तो यश कहता है कि भाई आप ये वाला बैट यूज कर लो। बाकी अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखे, एज ऑलवेज टेक केयर, जय हिंद नमस्कार बाय बाय। यहाँ पास में बैठ गए Oh, I still see you. Tum se na jaa.